आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। सभी को लगता है कि पुलिस हमेशा सख्त पेश आती है, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है। लखनऊ में बीते शनिवार तड़के एक पुलिस कांस्टेबल की गोली से 38 साल की विवेक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला। लेकिन वहीं तेलंगाना के पुलिस कांस्टेबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। रोती बच्ची को गोद में लेकर चुप कराकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। आईपीएस ऑफिसर रेमा जा राजेश्वरी ने एक तस्वीर ट्वीट पर पोस्ट किया है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल गोद में बच्ची को लेकर बैठा है और उसे चुप करा रहा है। पहली नजर में आपको लगेगा कि वो इन्हीं की बच्ची होगी, लेकिन पीछे की कहानी दिल को छू लेने वाली है। हेड कांस्टेबल ऑफिस मुजीब उर रहमान की ड्यूटी महबूब नगर के बॉयज जूनियर कॉलेज में थी, जहां SCTPC एग्जाम चल रहे थे। परीक्षा देने वहां एक महिला पहुंची थी, बच्चे के साथ परीक्षा देने काफी मुश्किल उन्हें हो रही थी। ऐसे में मुजीब ने महिला की मदद की, उन्होंने बच्ची को संभाला और महिला ने एग्जाम हॉल में परीक्षा दी। ट्विटर पर लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, इंसानियत अभी भी जिंदा है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा, पुलिस की जॉब वाकई ही काफी कठिन होती है, उन्होंने जो किया वो सम्मान लायक है। एक यूजर ने लिखा, मैं भी पुलिस कॉप की बेटी हूँ, पूरी जिंदगी में लोगों को यही बताती आ रही हूँ कि पुलिस वाले डंडे ही नहीं मारते। सोशल मीडिया पर मुजीब की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।